झारखंड में बिहार एसटी अपने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनाए जा रहे हथियारों की खेप को जब्त किया है। 4 तस्कर मुंगेर के जबकि 3 तस्कर बोकारो झारखंड के पकड़े गए हैं। झारखंड में बिहार एसटी अपने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड की पुलिस के साथ मिलकर हजारीबाग जिले में अवैध रूप से बनाए जा रहे हथियारों की खेप को जब्त किया है। चोरी छिपे वहां चल रहे हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का न सिर्फ खुलासा किया बल्कि पिस्टल बनाने वाले समेत 7 इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार भी किया। दरअसल बिहार एसटीएफ के पास अवैध हथियारों के बनाने और उसकी तस्करी से जुड़ी एक बड़ी इनपुट थी। टीम लगातार इस इनपुट पर काम कर रही थी। जब तस्करों के बिहार से झारखंड के लिए निकलने की बात सामने आई तो टीम पीछे लग गई। पीछा करते हुए टीम हजारीबाग के विष्णुपुरा थाना के तहत विष्णुग्राम के सतमाइल चौक पहुंच गई। वहां टीम को जब हथियार बनाने की इलीगल फैक्ट्री का पता चला तो उसकी घेराबंदी की गई। फिर हजारीबाग के एसपी से बात कर जानकारी दी गई और कार्रवाई के लिए लोकल थाना की टीम मदद मांगी गई। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा एक गुप्त सूचना मिली कि विष्णुगढ़ थाने अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसमें एक टीम गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित छापेमारी कर लगभग 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी मौके वारदात पर की गई है। साथ ही जो गन बनाने की मशीन है, जैसे कि लेथ मशीन, माइलिंग मशीन, सर्पिंग टूल्स वगैरह जब्त किए गए। साथ ही साथ लगभग 52 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल और 40 पीस अर्धनिर्मित बट बरामद। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिन लोगों को इस ऑपरेशन में पकड़ा गया उनमें से 4 तस्कर मुंगेर के हैं जबकि 3 तस्कर झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। दरअसल अवैध हथियार बनाने का सबसे बड़ा गोरख धंधा बिहार के मुंगेर जिले में चलता है, मगर इस धंधे से जुड़े लोगों ने अपना मोड्स बदल दिया है। एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि लगातार कार्रवाई होने की वजह से इस धंधे से जुड़े लोग बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों को अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। मुंगेर के लोग ही वहां पिस्टल बनाते हैं, फिर अधूरे हालात में उसे मुंगेर लेकर आते हैं, यहां उसकी फिनिशिंग होती है, फिर उसके बाद तस्करी कर उसे बेच दिया जाता है। दुमका, कोडरमा, देवघर और उत्तर प्रदेश के मऊ के ऐसे कई घरों में ये काम होता है। और आज हुई कार्रवाई में यही बात सामने आई है। जो लोग मुंगेर से हजारीबाग गए थे वो वहां से बनी हुई अर्धनिर्मित पिस्टल की खेप को लाने गए थे। उस खेप को मुंगेर लाने के बाद फिनिशिंग देकर बेच दिया जाता है, पर उसके पहले ही कार्रवाई हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।